इसके अंदर पावर की का प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर मैं चार्जिंग लगा देता हूँ। ये देखो अभी ये फ़ोन भी बैटरी भी फुल है, 100% बैटरी है, फिर भी फ़ोन स्विचिंग ऑन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखो एम्पियर भी ले रहा है, ये देखो इधर बैटरी भी 100% है। अभी मैं पावर स्विच प्रेस करता हूँ, ये देखो पावर स्विच प्रेस करता हूँ, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। ये पावर की का प्रॉब्लम है, वो पावर की का प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर लाइन का प्रॉब्लम है। ये कहाँ से प्रॉब्लम है, फ़ोन को खोलना पड़ेगा और हम चेक करेंगे कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इधर हॉट प्लेट पे रख देंगे उसका ब्लैक कवर निकालने के लिए। तो चलिए, तो चलो हम ओपन कर लेते हैं फ़ोन को, फ़ोन को ओपन करके देख लेते हैं। ये देखो हमने ओपन कर रहे हैं, हम इस स्क्रू को निकाल देंगे। को निकाल देंगे, ये देखो अभी हमने फोन को ओपन कर दिया है। तो इधर हम देख सकते हैं ये वाला इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, देखो यहाँ पे प्रेस करते हैं, फ़ोन ऑन होता है। ये देखो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, प्रेस करते हैं फिर भी फ़ोन नहीं ऑन हो रहा है। तो इसके लिए ये अंदर मदरबोर्ड के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ये है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये उसका हमने लेआउट खोला हुआ है A20 का। तो ये पावर की है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो ये वाली पावर की है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये वाली साइड पे यहाँ पे हम देखेंगे ये वाले रजिस्टर की ये साइड से ये लाइन आती है। हम देखते हैं यहाँ पे पावर आईसी में लाइन आती है, देखो तो यहाँ से यहाँ तक की हमें कनेक्टिविटी देखनी है, यहाँ से यहाँ तक की हमें कनेक्टिविटी देखनी है कि कितना रीडिंग ले रहा है और वोल्टेज आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं, हम देख लेते हैं। चलो फोन को अभी हम माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाते हैं। तो चलो हम पहले ये जो हमने देखा था, इधर हमने देखा था, आप देख सकते हो इधर हमने देखा था। तो ये वाला जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो रजिस्टर है
वहाँ से पावर आईसी से लाइन आती है, तो देख लेते हैं वहाँ पे कोई वहाँ से कोई लाइन रीडिंग कितना मिलता है वो हम देख लेते हैं। ये देखो कोई रीडिंग इधर भी नहीं दे रहा है, और यहाँ से हम देखेंगे कभी रीडिंग आ रहा है भी, और एक दफ़ा देखते हैं, कई दफ़ा आ जाता है कई बार नहीं भी आता है रीडिंग। कस्टमर का फ़ोन कहना ये भी है कि फ़ोन कई बार ऑन भी हो जाता है कई बार नहीं ऑन होता है। ये देखो ये अभी नहीं आ रहा है, देखो अब देख सकते हैं। अभी फिर से हम अच्छी तरह से रखते हैं, ये देखो आ रहा है, फिर से हम अच्छी तरह से देखेंगे। ये देखो आ रहा है, अभी कंटिन्यू आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो रीडिंग नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम शायद ऐसा होता है कि पावर आईसी से अंदर कोई बोल्ट कोई लूज कनेक्शन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लेट को निकालेंगे और उसके बाद में पावर आईसी को रिमूव करके कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि ये बोल्ट से इसकी कनेक्टिविटी मिल रही है कि नहीं। तो इसके लिए ये देखो ऐसे हम उसको प्लेट को निकाल देते हैं, तो हम प्लेट को निकालने जा रहे हैं। ये देखो सबसे पहले हम बोर्ड को अलग कर लेंगे मदरबोर्ड से। कैमरा को निकाल देते, देखो हमने निकाल दिया है, देखो कोई कंपोनेंट भी नहीं निकला है। अब ये पावर आईसी है, पावर आईसी के इस साइड से हम पावर आईसी को निकालेंगे और उसके बाद में हम चेक करेंगे यहाँ से वहाँ कनेक्टिंग। कई बार मिल जाता है कई बार नहीं मिलता है रीडिंग, तो उसका मतलब यही है कि शायद कनेक्टिविटी सही होगी, शायद अंदर से बॉल ड्री सोल्डर हो गया होगा। तो उसके लिए हमें ये आईसी को रिबॉल करेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल देंगे।
ये देखो कनेक्टिविटी तो सही आ रही है। देखो देख सकते हो अब देखो कनेक्टिविटी सही है। उसका मतलब यही है कि शायद अंदर का बोल्ट ड्राई हो गया होगा। तो अभी क्या करें, हम रिवॉल्व करके ही बिठा देंगे आईसी को और देखते हैं कि हमारा पावर आईसी का पावर स्विच का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलो हम आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। इसको यूनिवर्सल में रिवॉल्व करेंगे, यूनिवर्सल में इसको हम रिवॉल्व करेंगे।
ये आईसी कंप्लीट रिवर हो गया है, तो हम इसको अब बिठाएंगे आईसी को। ये आईसी हमारा भी कंप्लीट बैठ गया है। देखो हमने रिबॉल करके कंप्लीट बिठा दिया है। थोड़ी देर बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे, बोर्ड को थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद में मदरबोर्ड को लगा के चेक करेंगे कि हमारा पावर की का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। अभी हम उसको लगाएंगे, ये मदरबोर्ड में लगा दिया है। अभी हम उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। अभी बैटरी को लगाएंगे, अभी हम ये ट्यूजर से चेक करेंगे कि फोन ऑन होता है कि नहीं। ये देखो फोन ऑन हो गया है, अब देख सकते हो, अब देख सकते हो, देखो ये फोन ऑन हो गया। अभी फिर से हम निकालेंगे बैटरी को और लगाएंगे और फिर से हम ट्यूजर से उसको दो पॉइंट को शॉर्ट करेंगे। ये देखो फोन ऑन हो गया, तो पहले फोन नहीं ऑन हो रहा था, उसके अंदर प्रॉब्लम था, पावर स्विच प्रेस करते थे तो कुछ भी मतलब फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, सिर्फ चार्जिंग में परसेंटेज दिखा रहा था, चार्जिंग में दिखा रहा था कि फ़ोन
के अंदर पावर की का ही प्रॉब्लम है, तो हमने चेक किया, देखो किस तरीके से हमने वो फ़ोन को डायग्नोज किया। उसके बाद में देखा कि कहीं पे लाइन तो ब्रेक नहीं है, लाइन ब्रेक नहीं थी और उसके अंदर पावर आईसी के अंदर जो बोल होते हैं वो ड्राई सॉल्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से कई बार फ़ोन ऑन हो जाता है, कई बार फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो इसका रीज़न यही था कि पावर आईसी को रिवॉल्व किया और फिर से हमने बिठाया तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो अभी ये बैटरी भी दिखा रहा है, 99 दिखा रहा है, उसी वक्त हम चार्जिंग में चेक कर रहे थे तो 100% दिखा रहा था, अभी ये 99 दिखा रहा है। उसका मतलब यही था कहीं ना कहीं ये पावर आईसी का ही प्रॉब्लम था। ये देखो फिर से हम फ़ोन को ऑन ऑफ करेंगे, ये देखो हम बैटरी को निकाल देंगे और एक और बार हम उसको ऑन करेंगे, इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं। ये देखो ऑन हो गया, आप देख सकते हो। थैंक यू।